हेलो फ्रेंड्स, सीएनसी हब इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई टेक्निकल वीडियो लेके। दोस्तों, हम सीएनसी हब इंडिया यूट्यूब चैनल पर सीएनसी, वीएमसी और डेल कैम से रिलेटेड प्रोग्रामिंग की वीडियो डालते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे जो सब्सक्राइब के साथ में घंटी है, इस घंटी को जरूर दबा लें। इससे आपको हमारे आने वाली नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम दोस्तों बात करेंगे ओईई की। एक्चुअली ओईई होता क्या है दोस्तों? इंट्रो में ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में है, खासकर क्वालिटी या प्रोडक्शन में, और इंटरव्यू देने जाते हैं आप किसी भी पोस्ट के लिए, इंजीनियर के लिए, सीनियर इंजीनियर या मैनेजर, कुछ भी पोस्ट के लिए, तो आपके लिए ओई की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आइए चलते हैं कि ओई होता क्या। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म, इसकी ओई की फुल फॉर्म क्या होती है। ओई की फुल फॉर्म कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों इंटरव्यू में, ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग ये बोलते हैं या जो भी लोग ये डेफिनेशन, इसकी फुल फॉर्म समझते हैं ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, तो ये दोस्तों गलत है। ये एफिशिएंसी कभी नहीं होती। यहीं पे आपका इंटरव्यूअर आपको रिजेक्ट कर देगा, वो आपसे बात क्वेश्चन नहीं करेगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नहीं करेगा, वो समझ जाएगा कि आपको कितनी नॉलेज है। ये एफिशिएंसी नहीं होती, ये होती है दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस होती है दोस्तों, नॉट एफिशिएंसी। आप हमेशा याद रखिए, ये होती है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। अब इफेक्टिवनेस क्या होती है दोस्तों, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में क्या फर्क होता है, हम ये आपको समझाएंगे इसमें एग्जांपल के साथ में। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस की। एफिशिएंसी होती है दोस्तों आउटपुट अपॉन में इनपुट, कि हमने जितनी कितनी आउटपुट हमारी निकली है। जैसे हमारी 92 की आउटपुट निकली है और अपॉन में 100, तो 92% हो जाती है एफिशिएंसी। लेकिन इफेक्टिवनेस क्या है दोस्तों, इफेक्टिवनेस तीन फैक्टरों से मिलकर बनी होती है दोस्तों। ओई है जो ये तीन फैक्टरों से मिलकर बनी हुई है। इसमें फैक्टर कौन से होते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले इसमें अवेलेबिलिटी, सेकेंड परफॉर्मेंस और थर्ड क्वालिटी। मतलब कि जो इफेक्टिवनेस वर्ड है, जो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस है, ये तीन फैक्टरों से मिलकर बनी हुई है, एक अवेलेबिलिटी से, एक परफॉर्मेंस से, एक क्वालिटी से। मतलब ये किसी एक फैक्टर की एफिशिएंसी नहीं है कि आउटपुट अपॉन में इनपुट एक फैक्टर की कर ली है। इन तीन फैक्टरों की आउटपुट अपॉन में इनपुट है। इसका फार्मूला क्या होगा दोस्तों ओई का, ओई का फार्मूला होगा आपका अवेलेबिलिटी इंटू में परफॉर्मेंस इंटू में क्वालिटी, ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि अवेलेबिलिटी होती क्या है। अब आपके लिए आपको ये पता लग गया कि ओई की फुल फॉर्म क्या है, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस, और आपको ये पता लग गया कि तीन फैक्टरों से मिलकर बनी हुई है। तीन फैक्टरों की मल्टीप्लीकेशन है अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी, इन तीन फैक्टरों की मल्टीप्लीकेशन है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर कि अवेलेबिलिटी क्या होता है। तो अवेलेबिलिटी के लिए दोस्तों हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें डेफिनेशन समझनी जरूरी है दोस्तों। अगर आपसे कोई पूछे, आपने फुल फॉर्म तो पता है, आपने फैक्टर भी पता है, अब आपको इससे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज ओई, क्या है क्या ये, डेफिनेशन क्या है इसकी और इसका बेनिफिट्स क्या है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले ओई इज द बेस्ट प्रैक्टिस। हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक प्रैक्टिस है, या बोल सकते हैं कि ये काम करने का तरीका है, टू मॉनिटर एंड इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। मतलब कि ये इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने का क्या है। ओई कैलकुलेट क्यों करते हैं हम दोस्तों, ताकि हम हमारी प्रोसेस को, हमारी मशीन को, मैन्युफैक्चरिंग सेल या असेंबली लाइन, किसी को भी हम क्या कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उस पर नजर रख सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब जैसे हमें ओई में तीन फैक्टर हैं, तो हमें तीन फैक्टरों से अलग अगर हम इनको कैलकुलेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सा फैक्टर कम आ रहा है और किस फैक्टर को अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो हमारी ओई इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो ये हमारी हेल्प करती है प्रोसेस को इम्प्रूव करने में। अब दोस्तों ओई का क्या होता है दोस्तों,
वेयर वी आर एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव, मतलब कि हम कहाँ पे हैं और हम इसको कैसे इम्प्रूव करें, ये चीज हमें OE बता देती है कि हमें अवेलेबिलिटी पे काम करने की जरूरत है, या हमें परफॉर्मेंस पे काम करने की जरूरत है, या हमें क्वालिटी पे काम करने की जरूरत है, हमें किस पैरामीटर पे काम करने की जरूरत है जिससे हमारी प्लांट की इफेक्टिवनेस ओवरऑल इक्विपमेंट की वो इंक्रीज हो जाए। तो इसमें दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले अवेलेबिलिटी की। अवेलेबिलिटी क्या होता है, आपको अवेलेबिलिटी समझना जरूरी है दोस्तों। अवेलेबिलिटी क्या होता है, अवेलेबिलिटी टेक इनटू डाउन टाइम लॉसेस, ये डाउन टाइम के लॉसेस होते हैं दोस्तों, मैं आपको सिंपल बता देता हूं। इसके अंदर आपके डाउन टाइम के लॉसेस आते हैं कि आपको किसी भी टाइप का डाउन टाइम हो, लेकिन इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपका कोई इक्विपमेंट फेल हो रहा है, आपके पास मटेरियल नहीं है, या आपका सेटिंग का चेंज कर रहे हैं, आप सेटिंग को चेंज कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे टाइम दोस्तों इसी के अंदर आते हैं अवेलेबिलिटी के अंदर। मतलब कि अवेलेबिलिटी कभी भी आपकी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि कई बार आपके पास मटेरियल है, 100% मटेरियल है आपकी मशीन पे, जो आपका जो अवेलेबल टाइम है दोस्तों, अब हम अवेलेबिलिटी निकाल के भी दिखाएंगे आपका। जैसे एक दिन है, एक दिन में आपके पास मटेरियल है, ऑपरेटर भी है, मशीन भी है, लेकिन आप कोई मशीन में प्रॉब्लम आ गई, सडनली टूल सेटिंग करना पड़ गया, तो वो टाइम जो लॉस होगा दोस्तों वो अवेलेबिलिटी में से लॉस होगा, या आपकी मशीन ब्रेक डाउन में आ गई है, तो जितना टाइम लॉस होगा वो अवेलेबिलिटी में से कट जाएगा। अब दोस्तों इसमें एक्चुअली हम 4M को कंसीडर करते हैं। 4M क्या क्या होते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ अवेलेबिलिटी में क्या क्या कंसीडर होता है। कुछ लोग समझते हैं कि अवेलेबिलिटी में सिर्फ नो मटेरियल ही अवेलेबिलिटी मानी जाती है, कि आपके पास मटेरियल नहीं है तो आपकी वो अवेलेबिलिटी में आएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, इसके अंदर 4M कंसीडर होते हैं, आप हमेशा याद रखिए। 4M में सबसे पहले दोस्तों मैन, अगर नो ऑपरेटर है, जितना भी आपके पास नो ऑपरेटर का टाइम है, अगर आपकी मशीन में ऑपरेटर नहीं है तो वो अवेलेबिलिटी में आएगा, नो ऑपरेटर का जो टाइम लॉस है। उसके बाद दोस्तों आपके पास मशीन, अगर मशीन आपकी ब्रेकडाउन में है तो वो लॉस आपका अवेलेबिलिटी में आएगा। थर्ड है दोस्तों मटेरियल, अगर आपके पास मटेरियल नहीं है, लैक ऑफ मटेरियल की वजह से मशीन खड़ी हुई है, तो दोस्तों वो भी आपका अवेलेबिलिटी में आएगा। और फोर्थ है दोस्तों आपका मेथड, अगर आप चेंज ओवर कर रहे हैं, या आप पूल चेंज कर रहे हैं, या आप प्रोग्राम में करेक्शन कर रहे हैं, वो भी आपका अवेलेबिलिटी के अंदर आएगा। तो इन सब से मिलके दोस्तों हमारी अवेलेबिलिटी होती है। अब अवेलेबिलिटी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कैलकुलेशन क्या होती है। अवेलेबिलिटी का दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है कि ऑपरेटिंग टाइम अपॉन में प्लांट प्रोडक्शन टाइम, मतलब ऑपरेटिंग टाइम क्या हो गया और प्लांट प्रोडक्शन टाइम क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला, ऑपरेटिंग टाइम अपॉन में प्लांट प्रोडक्शन टाइम। अब सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ऑपरेटिंग टाइम होता कौन सा है और प्लांट प्रोडक्शन टाइम कौन सा होता है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं ऑपरेटिंग टाइम की बात करूंगा। ऑपरेटिंग टाइम होता है दोस्तों कि हमने जो प्लांट प्रोडक्शन टाइम है माइनस के ब्रोक डाउन, मतलब कि जो हमारा प्लांट प्रोडक्शन टाइम है उसमें से ब्रेक डाउन को काट देंगे तो वो ऑपरेटिंग टाइम आ जाएगा। अब प्लांट प्रोडक्शन टाइम कौन सा होता है दोस्तों, कई लोग सोचते हैं कि डे में 24 घंटे होते हैं तो 24 के 24 प्लांट प्रोडक्शन टाइम होते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। प्लांट प्रोडक्शन टाइम में दोस्तों शिफ्ट टाइम माइनस के ब्रेक्स होते हैं, आपकी 24 आवर्स की 3 शिफ्टें होती हैं और उसके अंदर जो ब्रेक्स होते हैं, लंच ब्रेक और डिनर का ब्रेक और टी ब्रेक होते हैं, उन सबको काटने के बाद जो टाइम बच जाएगा 22.5 घंटे बच जाते हैं दोस्तों, 1350 मिनट 81,000 सेकंड्स। तो ये आपके पास एक दिन में अवेलेबल टाइम होता है दोस्तों, मतलब प्लांट प्रोडक्शन टाइम होता है दोस्तों। और ऑपरेटिंग टाइम की इसमें से अगर आपकी मशीन ब्रेकडाउन में है, या नो मटेरियल है, या नो ऑपरेटर है, तो वो आपका कट जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक केस ले लेता हूँ, इफ ऑपरेटिंग टाइम इज 20 आवर्स, अगर ऑपरेटिंग टाइम 20 आवर्स है आउट ऑफ टोटल प्लांट टाइम, मेरे पास प्लांट टाइम तो 22.5 था, लेकिन दोस्तों मेरा टाइम लॉस हो गया, मेरा टाइम जो 2.5 घंटे लॉस हो गए हैं वो कैसे हुए कि आधा घंटा सेटिंग में लग गया और 1 घंटा मशीन ब्रेक डाउन में थी और 1 घंटा मेरा ऑपरेटर लेट आया था, तो इस वजह से क्या हुआ कि मेरे 2.5 घंटे वेस्ट हो गए हैं, तो मेरे पास अवेलेबल टाइम बच गया 20 आवर्स। तो दोस्तों
जो मेरी इसकी परसेंट मतलब अगर मैं 20 को डिवाइड करता हूँ 22.5 से तो ये आएगा 0.889। ये अवेलेबिलिटी की वैल्यू आ जाती है दोस्तों, मतलब कि अगर इसको मैं परसेंटेज में निकालता हूँ तो मेरी अवेलेबिलिटी आ जाएगी 88.9, मतलब कि मेरी अवेलेबिलिटी 88.9% है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अवेलेबिलिटी को समझ गए हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस क्या होती है दोस्तों? परफॉर्मेंस होती है दोस्तों, परफॉर्मेंस टेक्स इनटू अकाउंट स्पीड लॉस। ये एक्चुअली क्या है, ये आप किसी भी विच इंक्लूड एनी फैक्टर दैट कॉज द प्रोसेस टू ऑपरेट एट लेस देन द मैक्सिमम पॉसिबल टाइम। मतलब कि आपके पास, अब मेरे पास 22 घंटे थे दोस्तों, 22 घंटे मेरे पास अवेलेबल टाइम था जो मैंने अभी पीछे आपको बताया, 22.5 टोटल प्लांट टाइम था, और उसमें से जब मैंने लॉसेस काट दिए तो मेरे पास अवेलेबिलिटी आ गई, मेरे पास अवेलेबल टाइम आ गया दोस्तों। अब अवेलेबल टाइम के अंदर 20 घंटे जो मेरे पास बच गए थे, मैं 20 घंटे में मेरी मशीन पे कैसा परफॉर्मेंस करता है मेरा ऑपरेटर। अब सपोज करो कि जैसे मेरी मशीन की कंडीशन अच्छी नहीं है, मशीन वियर है, मतलब कि जैसे कि डोर ओपन क्लोज कर रहे हैं मशीन का तो वो वियर है, उसमें ऑपरेटर का टाइम लॉस हो रहा है, या सपोज कि बिने दूर रखी हैं ऑपरेटर को वहां पे जाना पड़ रहा है, और गेज दूर रखा है ऑपरेटर को वहां पे जाके चेक करना पड़ रहा है, तो ये सारी चीजें दोस्तों परफॉर्मेंस को रिड्यूस करती हैं। मिसफीडिंग हो गया, या सबस्टैंडर्ड मटेरियल, मतलब कि मटेरियल अच्छा नहीं है, मटेरियल के लगाने में ऑपरेटर को प्रॉब्लम आ रही है, या ऑपरेटर इनएफिशिएंसी, मतलब कि ऑपरेटर एफिशिएंट नहीं है, इन सारी चीजों का लॉस काटने के बाद हमारी परफॉर्मेंस निकलती है। परफॉर्मेंस कैसे निकलेगी दोस्तों, मैं फार्मूले के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। परफॉर्मेंस निकलेगी टोटल पीसेज अपॉन में प्लांट पीसेज इन अवेलेबल टाइम, मतलब कि हमारे टोटल पीस उसने बनाए कितने हैं, और प्लांट पीसेज इन अवेलेबल टाइम, और उसको अवेलेबल टाइम के अंदर कितने पीसेज बनाने चाहिए थे, ये हमारी परफॉर्मेंस निकलेगी इससे दोस्तों। हमने अवेलेबिलिटी तो निकाल ली कि टोटल टाइम हमारे पास कितना था, लॉसेज हुए, हमने अवेलेबिलिटी निकाल ली, लेकिन अब जो हमारे पास अवेलेबिलिटी बच गई है, अवेलेबिलिटी बचने के बाद उसके अंदर हम परफॉर्म कैसा कर रहे हैं दोस्तों, ये हमारी परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो, अब दोस्तों परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम परफॉर्मेंस को करेंगे इफ ए ऑपरेटर प्रोड्यूस 684 पीसेज इन टोटल 20 आवर्स अवेलेबल टाइम एट द साइकिल टाइम ऑफ 100 सेकंड पर पीस। अगर किसी पीस को बनाने का 100 सेकंड साइकिल टाइम आ रहा है दोस्तों, और उसके हिसाब से ऑपरेटर 20 घंटे में 684 पीस बनाते हैं, तो मेरी अवेलेबल परफॉर्मेंस रहेगी वो क्या रहेगी? तो सबसे पहले दोस्तों कि टोटल पीसेज प्रोड्यूस्ड कितने हैं, 684, ये आउटपुट आई है। अब इसके लिए हमने दोस्तों इनपुट क्या दी थी, आने कितने चाहिए थे, ये तो उसने निकाल लिए हैं, और आने कितने चाहिए थे, बनने कितने चाहिए थे, अगर साइकिल टाइम हमारा दोस्तों, अगर आपका साइकिल टाइम यहां से 100 सेकंड है, तो आपकी जो अवेलेबल टाइम आएगा दोस्तों वो आपका आया हुआ यहां से 20 घंटे, और 20 घंटे के अंदर अगर हम इस साइकिल टाइम के हिसाब से प्लांट पीसेज कैलकुलेट करें तो ये आएंगे 720 पीसेज। अब उसको 720 पीसेज बनाने थे दोस्तों, लेकिन उसने बनाए हैं 684, तो जो उसकी परसेंटेज आएगी दोस्तों वो क्या आएगी, 684 अपॉन में 720, तो ये आएंगे 95%, मतलब कि उसने 95% प्रोडक्शन की है, 95% परफॉर्मेंस आई है। अब जो ये 684 आए हैं दोस्तों, ये मैं आपको बता दिया कि ये किसी भी वजह से हो सकते हैं, कि मशीन वियर है, या ऑपरेटर एफिशिएंट नहीं है आपका, या उसको कहीं पे उसके गेजेस दूर रखे हैं, या कोई भी कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी डाउन हो रही है, तो ये 95% परफॉर्मेंस आई है। अब करते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वालिटी की बात। क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी होती है दोस्तों, क्वालिटी टेक्स इनटू अकाउंट क्वालिटी लॉस। इसमें हम क्वालिटी लॉस को कंसीडर करते हैं, विच अकाउंट टू प्रोड्यूस पीस दैट डू नॉट मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड। इसके अंदर हम उन पीसों को हटा देते हैं, उन लॉस को कंसीडर करते हैं जो रिजेक्ट पीस है या रिवर्क पीस है। इसका फार्मूला क्या होगा दोस्तों, इसका फार्मूला होगा गुड पीसेज अपॉन में टोटल पीसेज, मतलब दोस्तों कि
अब ये कैसे निकल लेंगे? अब हमने दोस्तों यहाँ पे जो प्रोडक्शन की थी, अब हमने यहाँ पे 684 पीस बनाए थे ऑपरेटर ने 95% की परफॉर्मेंस के साथ, लेकिन दोस्तों जो उसकी क्वालिटी है वो उसने 2 पीस रिजेक्ट बना दिए हैं और 682 पीस उसने ओके बना दिए हैं। तो जो उसकी क्वालिटी की बात करेंगे हम, उसकी क्वालिटी आई है 99.7%। तो ये हमने तीन के तीन फैक्टर यहाँ से दोस्तों कैलकुलेट कर लिए हैं, तीन फैक्टर हमने अलग अलग कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम निकाल लेंगे इसकी ओई। ओई कैलकुलेशन निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था दोस्तों कि आपका फार्मूला अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू में क्वालिटी। हमने तीनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 88.9, 95% और 99.7%। इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 0.8420 आया हुआ है। अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आप इसकी परसेंटेज देख सकते हैं, ये आ गया 84.20। मतलब कि हमारी जो प्लांट की ओई आ गई है वो 84.20 आ गई है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि दुनिया में ओई कौन सी बेटर है, कैसे चलती है और कितनी होती है और कितनी होनी चाहिए। तो आइए इसको समझते हैं एक बार। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड क्लास ओई की। वर्ल्ड क्लास ओई की जो वर्ल्ड में बेस्ट मानी जाती है दोस्तों वो कितने परसेंट होती है? वर्ल्ड क्लास ओई होती है दोस्तों कि जब आपकी अवेलेबिलिटी 90% हो, जब आपकी परफॉर्मेंस 95% हो और जब आपकी क्वालिटी 99.9% हो, तो ये ओई वर्ल्ड क्लास 85। मतलब अगर आपकी 85% ओई आ रही है पूरे प्लांट की, तो ये एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। ये वर्ल्ड की टॉप कंपनियों की ओई 85% होती है, अगर आप रियल मायने में डाटा को कैलकुलेट करेंगे। अगर आप फेक डाटा को कैलकुलेट करेंगे कि इसमें सेटिंग लॉस भी मैं कंसीडर नहीं करता, मैं ये लॉस भी कंसीडर नहीं करता, तो आप ओई कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जिस हिसाब से मैंने आपको कहा है, अगर आप इन्हीं फैक्टर्स के हिसाब से अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी निकाल लेंगे दोस्तों, तो आपकी ओई 85% आएगी। अगर आती है तो वो बहुत ज्यादा बेटर है। तो उसके बाद दोस्तों, वर्ल्ड वाइड स्टडी इंक्लूड्स दैट द एवरेज ओई रेट इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इज 16। अगर वर्ल्ड वाइड स्टडी की बात करें या सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की जो एवरेज आती है दोस्तों, सारी कंपनियों की वर्ल्ड वाइड, अगर उन सबकी ओई को जोड़ के और उसको मीन से डिवाइड करते हैं दोस्तों, उसका मीन निकालते हैं, तो वो 60% आती है। तो एज यू सी दी अबोव टेबल, आप इस टेबल में देख सकते हैं, दी वर्ल्ड क्लास ओई इज कंसिडर टू बी 85% और बेटर। अगर आपकी 85% या उससे ज्यादा ओई आती है तो ये आपकी बहुत ज्यादा अच्छी बात है दोस्तों, और ये बहुत ज्यादा बेटर है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए हैं कि ओई कैसे निकालते हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी वीडियो पे कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको कुछ रहता है कि कुछ समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो भी आप हमारी वीडियो पे कमेंट करके हमें बताइए दोस्तों कि हमारी वीडियो आपके कैसे लगी है, आपकी नॉलेज इंक्रीज करने में हेल्पफुल है या नहीं है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू दोस्तों।